हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद अंसारी, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल डॉक्टर में। दोस्तों, बिहार बोर्ड द्वारा ऐसा न्यूज़ आ रहा है जिसके कारण जो है आपका रजिस्ट्रेशन है और एडमिशन जो है रद्द किया जा सकता है यदि वो हैबिट आपके अंदर है, तो इसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा स्कूल में गुटखा और सिगरेट रखना या इनका इस्तेमाल करना विद्यार्थियों के लिए महंगा पड़ेगा। अभी तो स्कूल परिसर में पकड़े जाने पर चेतावनी दी जाती है, लेकिन अब ऐसे छात्र का नामांकन भी रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, यह न्यूज़ जो है बड़ी आ रही है निकल कर कि आप यदि जो है स्कूल में सिगरेट या गुटखा आप लेके जाइएगा तो वहाँ पे जो है दोस्तों आपका दाखिला पकड़े जाने पर रद्द किया जा सकता है। यह बिहार बोर्ड द्वारा बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इसको लेकर जल्द ही स्कूल प्रशासन द्वारा अभिभावकों को लिखित सूचना भेजी जाएगी। दोस्तों, इसके लेकर सभी स्कूल में यह सूचना दिया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट जो है गुटे और सिगरेट पीते हुए या ले जाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनका जो है एडमिशन रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो है उन स्टूडेंट का करियर पर भी प्रभाव पड़ेगा जो उसके फ्रेंड्स होंगे। और जो है बैड हैबिट्स है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मोक करने से जो है कोई प्रॉफिट तो है नहीं। दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड को दी जाएगी सूचना। स्कूल प्रशासन की मानो तो जिन छात्रों को धूम्रपान करते पकड़ा जाएगा उन पर कार्रवाई करने की पहले उसकी सूचना CBSE और ICSE बोर्ड को भी दी जाएगी। अभी ऐसे छात्रों की काउंसलिंग होती है, अभिभावकों को सूचना दी जाती है। जैसे पूरी जो खबर निकल के जो आ रही है कि जो भी स्कूल में सिगरेट या गुटखा खाते या पीते हुए पकड़े जाएंगे उनका जो है नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी रिलेटेड अभिभावकों को रखे ध्यान, बच्चों की आदतों पर ध्यान रखे, उनके व्यवहार पर नज़र रखे, जो वहाँ के शिक्षक हैं उनके बिहेवियर पर वो ध्यान रखेंगे और बहुत सारी जानकारी पॉकेट मनी इतनी दे जिससे पढ़ाई आदि की ज़रूरत पूरी हो सके। जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनको जो है उतनी पॉकेट मनी दे जिनसे उनकी आवश्यकता हो। फालतू जो पैसा रहेगा उससे जो है वो गलत ही काम करने की उनको मन में कुछ प्रशंसा होगी। स्कूल प्रशासन से मिलकर उनकी पढ़ाई की जानकारी ले, नशीली चीज़ों से नुकसान होता है यह जानकारी बच्चों को देते रहे। दोस्तों, इसमें कुछ पेरेंट्स का भी दोष है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को खाते हुए स्मोक करते हुए देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। और ऐसे स्कूल में भी कुछ मैनेजमेंट होना चाहिए कि ऐसे करने पर जो है उसको दंड दिया जाएगा। और बिहार बोर्ड द्वारा ये पूरी ही खबर है कि उसको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, यानी उसका एडमिशन ही रद्द कर दिया जाएगा। तो वो एडमिशन जो होगा उससे वो रद्द होगा। तो बाद में देखिए दोस्तों क्या खबर आ रही है बिहार बोर्ड द्वारा, और CBSE और ICSE बोर्ड दोनों के लिए यह खबर बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने को लेगा। तो मिलते हैं सही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, BSML, BFP, टेक केयर एंड बाय बाय। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ये गलत आदतों को छोड़ दीजिए, इससे कोई प्रॉफिट नहीं है। थैंक यू।